कलर नहीं गिन रहा है, नो आज कलर सही बना हुआ। सृष्टि के द्वारा दूसरा क्या है, वो सृष्टि के द्वारा दिया गया, ठीक है। मिथिली तो तीन तरीके की बताई थी, कोई जस्टिफाई करेगा पहले बताएगा, आदि दैविक क्या था, प्रकृति के द्वारा मिलती है, ठीक है। दूसरी आध्यात्मिक कैसे मिलती है, मन और शरीर से मिलती है, मन और शरीर के द्वारा। और तीसरी अदर लिविंग बींग्स, दूसरे जीवों के द्वारा हमें कष्ट मिलता है, यहाँ तक कि मच्छर के काटने से मृत्यु हो जाए। और बाकी चार क्या थी, और मिथिलीज क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, है ना। ये है हमारी सेवन सफरिंग्स जो सबको मिलती ही मिलती है, कोई नहीं बच सकता, जीवों में कोई नहीं बच सकता, नॉट इवन ह्यूमन फॉर्म, इवन एनिमल्स वो भी इसको भोगेंगे। तो हमारे जीवन में हम बहुत सारी अचीवमेंट्स करते हैं, उसके साथ हमें कौन सी प्रॉब्लम सफर करनी पड़ती, कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो हमारी अचीवमेंट के साथ प्रॉब्लम, हम एडवांसमेंट कर रहे हैं मगर प्रॉब्लम हमारे साथ फिर भी क्यों है, उसका जवाब कौन देगा। माइक आप हाथों पर दीजिए, आपको माइक दिया जाएगा, आपसे बात ठीक है कि हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सॉल्यूशंस हैं, बट स्टिल वी आर इन प्रॉब्लम। व्हाई व्हाई वी आर इन प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, कि हमारी सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है, क्यों, बिकॉज वी एंगेज आवर सेंसेस इन सेंस ड्राइविंग, ठीक है। उसको गलत स्थानों पर यूज करने से हम क्या हमारे अचीवमेंट है, और कितना भी हम एडवांसमेंट कर जाए फिर भी हमें वो खुशी प्राप्त नहीं होती। एक्चुअल एडवांसमेंट क्या है, टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, व्हाट इज द एक्चुअल एडवांसमेंट क्या है, सही बात क्या है एडवांसमेंट का, what is the right path, to inquire about who is he who generated everything, to inquire hum sahi path hai ki hum har cheez ke liye inquiry kare, is it good or is it bad, anukulam pratikulam, kya anukul hai kya pratikul hai, apni senses se usko justify kare, kya sunna hai kya nahi sunna, कोई अब्यूज करता है आप सुनना चाहते हो, कोई आपकी तारीफ करता है आप सुनना चाहते हो, क्यों, एक है प्रतिकूल एक है अनुकूल, और आपके सेंसेस ने तुरंत डिसाइड किया ये नहीं सुनना ये सुनना है, ये अच्छा नहीं है ये अच्छा है, तो क्या हमारी सेंसेस डिसाइड करती है क्या लेना है क्या नहीं,
बट वी आर ऑलवेज डिस्टर्ब बाय आवर सेल्फ. हमें कोई कोई दुखी नहीं कर रहा, हम करता है हमको बिकॉज हमारा सिलेक्शन होता है कि हम दुख बनाता है, हमें दुख चाहिए, दुख चाहिए या हमारा सिलेक्शन. और आपके बारे में कुछ कह रहा है, ये आपका सिलेक्शन है कि आप दुखी होते हैं, दुख रहते हैं. उसका कहना है तो वो कहता रहे, आपको अगर किसी का नाम है राहुल, अगर संग्राम में राहुल तो आपकी तरह दुखी नहीं देखेगा, देखिएगा मैं अम्मा मित्र देखा. अगर मैं बोलूंगा इसकी तरफ देख के बोलूंगा सुशील तो मेरी तरफ थोड़ा ना देखेगा, जरा किसी को बुला देगा. तो हम किसी का अब्यूज करते हैं, अगर वो हमारे लिए है समझते हैं कि हम ऐसे हैं तो हम डिस्टर्ब होंगे. अगर हम ऐसे नहीं कॉलिंग यू इधर कॉलिंग यू, जिसका नाम होगा उसी का तो ध्यान जाएगा. सही हम अपने आप को दोषी मानते हैं. तो राइट आज क्या है, तो इंक्वायर टू हूम, किसे इंक्वायर करना है, इंक्वायर टू हूम, किसे इंक्वायर करनी है. अगर हमें हैप्पीनेस जाननी है, अगर हमारी सेंसेस नॉमिनल फॉर्म में है और हमें इंक्वायरी करनी है, व्हाट इज द राइट पाथ टू इंक्वायर, कि हमें किससे इंक्वायरी करनी है, किससे इंक्वायरी करनी है. अगर आपको किससे करनी है, आपके मन में जिज्ञासा होती मुझे जानना है, किसके पास जाओगे, राइट सोर्स. मेडिकल कॉलेज और आपको इंजीनियर होना है तो जाओगे, भिंडी की दुकान में ऐसा तो नहीं होता की दवाई की दुकान में क्या भाव देंगे, पागल है और यही काम हम कर रहे हैं. हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो इंक्वायर विद द सोर्सेस कि जो हम है हम जो पास जाना है वो है. एग्जांपल कौन है, हमने पिछली बार एग्जांपल पिच किया था, एक एग्जांपल दिया था किसका, अर्जुन के पड़ोसी ने क्या नाम था, महाराज का उनके पास आप देते थे एहसान करने वाले के लिए, ख्याल वाले के लिए पूछना एक बड़ा सोर्स से था. आप देख सकते हैं कौन सा भी भगवान है, भगवान है लोग कहते हैं भगवान है. आपने कहा देख लिया, आपने कहा देख लिया भगवान की लाइट जलाई थी, लाइट जलाई थी, कितना काफी, कितना काफी. आपने कहा देखा भगवान, आपने कहा देखा भगवान, ज्यादा हो गया, हमें तो ज्यादा, हमें तो भी दिखाई थी. Who knows? Who knows? हमने बोला है, हमने तो हमने बोला है, हमने तो नहीं सर. और कौन कह रहा था, हमने भगवान कौन कह रहा था, हमने भगवान को कितना देख लिया, कहाँ देख लिया, दिखाइए कहाँ है और किसने देख लिया भगवान की, हाथ ऊपर कीजिए, बताइए बताइए बताइए, मानते हो भगवान तो है नहीं, आपके मानते वाले शब्द ने प्रूव कर दिया कि भगवान नहीं है, अगर मानते नहीं है अदरवाइज अदरवाइज ही डजंट एग्जिस्ट. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. और कोई, और कोई, किसने देखा, किसने देखा, हू नोज, आई कैन सी, आई नो, हाउ डू यू नो, आई लेट शो मी. That existence because of what? That is your qualification. It doesn't mean everybody is satisfied with yours. Who knows? Or who will say? Or who will say? Sir, how can I say that? It's a very good thing. It's a very good thing. But we should see how it is happening. Who knows? Who knows? Special eyes. You need specialize and show me where is that eyes. That comes to the point and you can do this. Then do it. How do you do it? That comes to the point.
It means you are trying to justify me that there is God. But you won't. No, God is there. He's there. But I don't believe on your words that he exists. It is a matter of belief. It's a belief, but he doesn't exist. It's a matter of if there is a thing or belief, it means if he exists or doesn't exist. If atheists really believe that God doesn't exist, it means he doesn't exist. Because he believes. Nastik kya kehte hai, Bhagwan nahi hai unka. 100% believe hota hai. Iska matlab Bhagwan nahi hai, kyunki wo bhi believe karte hain. Then, ji. हाँ भगवान तो नहीं लगता बाबा ये लगे वही तो कह रहे आपने माना है कैसे नहीं देखा वो टीवी पे रोज आते कहाँ आते हैं भाई प्रधानमंत्री को तो हमने चुना है ना इलेक्ट हुए हैं एक पुरुष ग्रुप में हमारे सामने है प्लीज इन फ्रंट ऑफ वी साइन करते हैं चलते हैं हाँ मगर यू नो दैट ही इज देयर इज इन दिल्ली ये तो पता है ना किसको पता है भगवान हाँ ठीक है वो दवाई ठीक नहीं करती वो आपका दिमाग कहता है उसको सेंसेस मिलते हैं कि दवाई चली नहीं जाता दिमाग कहता है दर्द भूल जाओ दर्द भूल जाओ हाँ साइंस पढ़ो आपको पता चलेगा दवाई शरीर में नहीं जाती दवाई उस स्रोत पे जाती है जहाँ से सेंसर जाते हैं कि आपको जान मिल रहा है वहां से आपको पता चल रहा तो मैं मानता हूँ कि इंजीनियरिंग के रिसोर्सेज है इंजीनियरिंग के रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द क्रिएटर नो नो एवरीथिंग वी हैव क्रिएटेड आई थिंक सम ऑफ दीस वी आर वेरी क्रिएटिव ऑल दिस इज फॉर द लिविंग क्रिएटर ओके ओके नेक्स्ट लाइन आगे सुनो पीछे आइए Does God really exist? How? Is there a belief question? आप नहीं करते? करते? हाथ ऊपर कीजिए. आप नहीं करते? मुझे actually correction चाहिए. कितने लोग करते हैं? ऐसे हम लोग करते हैं. सभी लोग करते हैं. ऐसे ना तो बैठे होते हैं. नहीं. ठीक है. वेरी नाइस तो एक बार एक क्लास में बच्चे ने पूछा कि सर ये पत्ता हिलता है कौन हिलाता है कह रहे साइंस है हवा चलती है वो हिल जाता है कह रहे नहीं सर गॉड ने किया किसने देखा मैडम जी दूसरे ने पूछा कि सर देखिए मौसम बदलता है सीजन चेंज हो रहा है किसने किया सर भगवान ने किया तो तुम भी बैठ जाओ नीचे कुछ नहीं पता ये सब साइंस के द्वारा होता है सर सृष्टि कैसे बनी बिग बैंग थ्योरी एक धमाका और पूरी सृष्टि बन गई सर हम लोग आए कहां से हैं डार्विन थ्योरी हम बंदर की संतानें हैं सबको बैठा दिया एक बच्चा खड़ा हुआ एक बच्चा खड़ा हुआ तो सबसे पूछा कुछ क्वेश्चन पूछे मुझसे गलत जवाब दिया क्या आई एम राइट आई हैव अ ब्रेन कोई किसने देखा आप समझ रहे कि बच्चे ने टीचर से प्रश्न पूछा और टीचर ने प्रश्न का जवाब दिया तो बच्चे ने कहा बिलीव कैसे कर रहे क्योंकि मुझे नॉलेज है मेरे पास दिमाग है इसलिए आंसर दे रहा हूं पांचवे स्टूडेंट ने कहा बोले किसने देखा था दिमाग तो कहने का मतलब जो चीज दिख नहीं रही वो एग्जिस्ट कैसे हो सकती है कह रहे नहीं मेरे में दिमाग है तभी तो इसका आंसर दे पा रहा हूँ उसी तरीके से भगवान है इसकी सारी चीजें चल रही है देयर इज सम सोर्स देयर इज द अर्थ देयर इज द फुलफिलमेंट हर चीज की उत्पत्ति होती है तो उसकी पूर्ति भी होती है ना आगे स्लाइड बढ़ रही द फर्स्ट वन द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इनके लिए बड़ी तालीम शर्ट गुड शर्ट क्या नाम है चांदनी जी हरी बोल मतलब थोड़ी कंडीशन से इन्होंने कई एग्जाम्पल दे डाले कि पत्ता हिल रहा है तो उसको कौन चलाता है
हम कुछ खाते हैं तो शरीर पे कैसे पहुंच जाता है, इट मीन देयर इज अर्थ इज फुलफिलमेंट। हवा चाहिए तो उसकी असीमित पूर्ति है, पानी चाहिए तो उसकी असीमित पूर्ति है, है ना, प्रेम चाहिए तो उसकी भी असीमित पूर्ति है, इससे जाइए देयर इज अर्थ इज फुलफिलमेंट। और हमें संसार में कुछ भी चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, और क्या है, हमें कुछ भी संसार में चाहिए उसकी फुलफिलमेंट है। इसका मतलब जो भी संसार में आता है तो हर चीज के लिए भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार से आगे अगर हम देखें तो हर चीज का लॉ है, देयर इज अ बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉ, सोसाइटी लॉ, ट्रैफिक लॉ, नेचर ग्रेविटी फोर्स, है ना, नेचर लॉ, थर्मोडायनेमिक लॉ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ होता है, केमिस्ट्री लॉ होता है, बायोलॉजिकल लॉ होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि हर चीज के लिए लॉ बनाया गया है, क्यों, टू नो अबाउट विद द सिस्टम ऑफ थिंग, कि हर चीज के पीछे लॉ है। ट्रैफिक लाइट है तो उसका भी एक लॉ है, ताकि सारी चीजें सुचारू रूप से चल पाए। इस ब्रह्मांड के अंदर सूरज अगर धरती से कुछ प्रतिशत पास में आ जाएगा तो धरती की सारे वनस्पति जल जाएंगे, अगर वही सूरज थोड़ा सा दूर चला जाएगा तो भी वनस्पति नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब भगवान की एक्यूरेसी है, देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर व्हिच इज गिवन बाय लॉ। अगर किसी ने लॉ बनाया है तो 100% देयर है कि उसका कोई लॉ मेकर, समझ रहे, कि अगर कुछ दिख रहा है तो उसके पीछे कोई सोर्स होगी। अगर ये पेंटिंग है तो किसी ने बनाई, अगर ये बोर्ड है तो किसी ने बनाया, ये एसी है तो कहीं से तो सोर्स है, किसी की टेक्नोलॉजी थी, दिमाग का किसी क्रिएट किया। बट अगर कुछ दिख रहा है, किसी चीज की एग्जिस्टेंस है, तो मतलब उसके पीछे लॉ मेकर, मतलब आप समझिए तो पानी की जरूरत है, कितना पानी मिलता है, असीमित पानी है, ना खत्म होने वाला, हवा, कभी सिलेंडर लेके चले हो ऑक्सीजन के, नहीं चले ना, अनलिमिटेड मिल रही है ना, कभी आप मेडिकल शॉप में गए हो भाई सर 5 किलो से एक्चुअली ऑक्सीजन तो देना या ऑक्सीजन मीटर से भर देना, मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही, कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ, चलते फिरते फ्री ऑक्सीजन मिल रही है, अनलिमिटेड, सीमित नहीं है, मतलब सीमा नहीं है इसकी, अनलिमिटेड आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं। कि अगर कुछ नेचर में लॉ बनाया गया है इट मीन्स इसके पीछे कोई ना कोई है। तो हम देखते हैं कि वी नीड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नंबर ऑफ बार्स ऑफ मीटिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग वन गुड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मीटिंग होते हैं, एंड दे हैव लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मेंटेन देयर कंपनी, उनको अच्छा बनाने के लिए। तो इससे एग्जाम्पल से हम ये ले सकते हैं कि आप सोचिए भगवान तो इन सब चीजों के प्रदाता है, जो हम इस संसार में चीजों को थोड़ा सा ब्यूटिफाई करने के लिए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक करने के लिए इतने एफर्ट करते हैं, मगर भगवान ने क्या किया है, भगवान ने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है जो कि बाय डिफॉल्ट चलता है। सूरज भी है, चांद भी है, हवा भी मिल रही है, दिन भी होता है, रात भी होती है, बच्चा जन्म लेता है, बीज उत्पत्ति कौन करता है, भगवान करता है, फिर वो बड़ा होता है, उसके लिंग निकलते हैं, वो और बड़ा होता है, फिर जन्म लेता है, उसका विवाह होता है, फिर वो क्रिएशन आगे बढ़ाता है, फिर वो बेबी जनरेट होता है। तो इस तरीके से भगवान ने ऐसा सुंदर साइकिल बनाया है जो मतलब हमारी सोच से बाहर है। इवन साइंटिस्ट विल नॉट मेक दिस काइंड ऑफ सिस्टम, हम सिर्फ इमेजिनेशन पे जी सकते हैं, हम क्रिएट नहीं कर सकते। So, what is a God means? The definition of God, to know about the importance of meaning of God. God का मतलब क्या है? G-O-D God. यहाँ पर आया है मार्केट के साथ. कौन आया? अंग्रेज मांस के. Do this sale. G-O-D God. ठीक है? G-O-D God. और वर्टिकली लिखेंगे जी ओडी डॉट, लिखेंगे जी ओ डी वर्टिकली साइड में लिखते हैं जी ओडी डॉट। जी ओडी डॉट ठीक है, जनरेटर
So, God means the one who generates, जो creation करता है. So, we're having a power to create anything. साइंटिस्ट का घास का तिनका बना सकते हैं, पेड़ का बीज बना सकते हैं, सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं कि उस बीज में से प्लांट कर सकते हैं, बट उस बीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते. इज अ जनरेटर, नो अबाउट एवरीथिंग. ओ इज अ ऑपरेटर एंड डी इज अ डिस्ट्रॉयर, द वन हु डिस्ट्रॉय, हैविंग अ पावर ऑफ डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. सो द गॉड मीनिंग इज द जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर. विल इट पॉसिबल कि कोई साइंटिस्ट बीज पैदा कर सकता है? साइंटिस्ट सिर्फ उसकी रिसर्च कर सकता है. अच्छा, एक कंपनी में एक मोबाइल फोन बनता है, उस मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा नॉलेज किसे होगा? यूजर का होगा या कंपनी मैन्युफैक्चरर का? आप कर लीजिए और आप यूजर को होगा. कितने लोग कहते हैं यूजर को होगा? ओके, अच्छा कितने लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरर को ज्यादा पता होगा? तो हम क्या करते हैं, अबाउट एवरीथिंग बट वी आर जस्ट यूजर. क्रिएटर ही हम सिर्फ यूजर हैं, वी जस्ट नो अबाउट. हम मोबाइल को कुछ हद तक जान सकते हैं, और मोबाइल मैन्युफैक्चरर उसके हर एक प्रोजेक्ट को जानता है, उसकी हर एक टेक्नोलॉजी को जानता है, पर हम सिर्फ ऑपरेटर हैं, कुछ हद तक जान सकते हैं. इसीलिए हम नेचर को अपने बहुत कम जान पाते हैं, इसलिए पूरी तरह मूल्यांकन नहीं कर सकते, इसलिए हम भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं. बट ही नो एवरीथिंग, ही इज अ गॉड, ही क्रिएट्स, ही जनरेट, ही ऑपरेट एंड ही डिस्ट्रॉय. क्या होता है, संसार की रक्षा होती है भगवान, संसार उसको ऑपरेशन जो होते हैं, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क, उसको बनाना आसान, तोड़ना आसान, ऑपरेट करना सबसे. The second part is very difficult to operate. Operation for कुछ भी होते, but he operates so easily. रास्ते सोचते हो, दिन सोचते हो, कभी ऐसा हुआ पति ने पूछा, पति आप कौन जी? कभी हुआ? कभी पति उठावल सोचे और पति सामने आ गई, बोला नमस्ते बहन जी आप कौन हैं? याद आज बराबर है? हाँ, बुला तो नहीं, मेमोरी एज इट इज है, कोई कहीं किसी हार्ड ड्राइव तो नहीं लगाई, कोई यूएसबी तो नहीं लगा, बेटा वही तो नहीं हो. कभी ऐसा हुआ कनेक्ट किया गया कि यहाँ से यूएसबी लगा के किसी बात बैठा, बचपन से बड़े बोले कभी ऐसा हुआ डाउनलोड कर लिया? ऐसा नहीं हुआ, मेमोरीज आज भी है. अगर भगवान ना क्योंकि ऑफिस में जाए और बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों समझ गए, क्योंकि भारत की कंपनी है, क्योंकि हमने एक भगवान अपनी पूर्ण बुद्धि से पूर्ण संसार को चला रहे हैं, हम अपनी अपूर्ण बुद्धि से पूर्ण संसार को जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो हैं और हम सुने. तो यहां पर नेक्स्ट स्लाइड संसार में देख रहे हो वो मैं किसको बता रहे हैं भगवान, जिसको बता रहे किसी और बताए तो सर्वश की are made possibly by God in the material, the intermaterial nature, and that I am the seed-giving father. So I am the seed-giving father. Kini sehne wala? Nahin. Kini kuch bhi sansar se chal raha hai,
वो माता पिता ले रही बच्चे को भी जनरेट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हो रहे हैं, वो विकास से फीस देने वाला कौन है? संसार में भगवान ने कई चीजों की उपस्थित वनस्पति भी थे, अंड भी थे, बच्चे भी थे, इस तरीके से मुरिया भी थी, सारे चीजें एक साथ कर। और हम अगुण बुद्धि से क्वेश्चन पूछते हैं, चलन मुर्गा है क्या आया, तो हम इसी में फंसे रहे। Now, the definition of God, हम जानते संसार को चला रहा है तो उसकी डेफिनेशन क्या, हमें डेफिनेशन या समझी द वन इज ए जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर द मीनिंग ऑफ। अगर वे ऐसा कर रहा है ना, आई एम द गॉड, द वन हु मेड अ गुड हाउस, मैं वो व्यक्ति की अपने व्यापार को चला रहा हूँ, मैं वो व्यक्ति धन संचय कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को गलत कहा जाता है, तो बात से है एक व्यापारी कहता है मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है, मगर सोचिए आसमान से धरती पे पानी ना गिरे, उस बीज को पानी ना छुए, उसमें से वो अंकुरित ना हो और वृक्ष ना बने, तो जो पैसे उसने कमाए हैं उन पैसों से वो अपना जीवन चला सकते हैं, जिंदा भी नहीं, क्योंकि संसार में वनस्पति देने वाले कौन है, भगवान। आप अपने धन से वनस्पति, आप अपने धन से इस हवा को नहीं चला सकते, आप इस धन से पूजा दे खाने को बचा दिए, अभी सूरज ना हो गए तो दवान एवरी वन पासिंग का स्टूल, तो स्टूल अगर संसार में इतना सारा है तो हम लोग स्टूल पास करते हैं, अगर सन ना निकले संसार में रह भी सकते, इतनी गलती कर सकते हम, इतनी गलती कर सकते। अगर आप अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक रहे हो, सूरज ना निकले और बारिश हो रहा है, तो क्या होता है, आती है दो दिन आने लगती है, एक दिन आने लगती है, तो जिस सूरज ना निकले संसार, क्या हम अपने पैसे से उसको सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते, हमारी तो देख रहे हैं आप भगवान के रूम रूम से कई ब्रह्मांड निकल, संसार द बॉल ऑफ प्ले, संसार क्या है, बॉल ऑफ संसार में पीछे देखा भगवान जो है वो प्रथम पिता है, सोर्स हर चीज का साधन देने वाले भगवान है सोर्स, और हमारे होता है हम हमेशा सुनते हैं हमारा लक्ष्य क्या, हमारा लक्ष्य है घर, हमारा लक्ष्य है गाड़ी, हमारा लक्ष्य है टाइम बैलेंस, हमारा लक्ष्य है बाहर, हमारा लक्ष्य है अच्छी कंपनी, अच्छे बच्चे, ये बात ये जो है सही है, यही लक्ष्य है हमारा, आप सब नहीं खाली हो रही ये बिल्कुल नहीं, लक्ष्य कहा जाता है कि लक्ष्य हमारा भगवान है, भगवान के पास लक्ष्य है, एक अच्छा घर जिसमें परिवार मंदिर में रहता है, कभी रहता है, और
गाड़ी में हम जाते हैं उससे हम नाम भी जानते हैं कि जाते हैं वहां से धन सच है भगवान की सेवा में भगवान की समय करने वाले सब कुछ है। पर यहाँ मनोस्थिति बदल गई है, परिस्थिति बदल गई है। पहले मनोस्थिति अपने भोग के लिए कर रहे हैं, अभी मनोस्थिति हो गई है तो भगवान की खुशी मिल गई। तो लक्ष्य है सब क्या है, जैसे कंपनी का मालिक कंपनी का बॉस क्या कहता है, इसको एक मोबाइल दे दो, इसको एक लैपटॉप दे दो, इसको दिए मेरे कंपनी के लिए काम क्या चाहती है हमारे को फायदा हो। अब यहाँ भी भगवान ऐसे भगवान का बिजनेस करते हैं, माँ बिजनेस हो रहा है पैसों के, नाव भी अपना, और एक समय आया जब नाविक ने कहा सब उतर जाएगी किनारे नहीं नहीं किनारे निकलूंगा, तो नाविक जब उतर तो जो विचार किए मन में विचार आया नर्क को भी जाओ, नाभिक को गलत नहीं है, मन में विचार आया नर्क को भी जाओ, नर्क लोग कैसे गलत है अच्छे कार्य किए नर्क लोग ले जाओ, लेकिन मुझे अच्छे बुरे तो नहीं करता, मुझे ऊपर भगवान से प्रेम को नाम मिलता ना वही तरह। तो इसी तरीके से हमारी जो परिस्थिति होती है वो साइड करती है। तो अब बताया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सुप्रीम लॉर्ड, व्हाई ट्रांसलेशन डेफिनेशन ऑफ एनर्जी पर भी कहा जाता है इसे सुप्रीम कौन है गॉड कहा जाता है जो जा रही है। और कई चीजों में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे गुरु भगवान मानते हैं, क्या वो भगवान है क्यों मानते हैं, सालों से कई सारी चीजें लिख रहा है और भ्रष्ट जिंदगी वो भगवान ऐसे दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां हैं। अमिताभ बच्चन भी मंदिर बना रहे, रजनीकांत के भी मंदिर बना रहे, तो ऐसी क्रांतियां हैं हमारे धर्म में। ऐसा व्यक्ति तो हमारा भगवान हो सकता ऐसा नहीं है, भगवान वो है जिसके पास सारी है। तो द कॉल ऑफ एनर्जी कॉल टू बी सुप्रीम कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है विष्णु इज द वन हु इज एवरीथिंग एंड सेकंड वन नेक्स्ट इज सुप्रीम कंट्रोलर। पहला क्या है तो सब चीजों की उत्पत्ति करने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी हर चीज का प्रमुख कौन है भगवान है, तो कंट्रोलर कौन है भगवान। हम क्या करते हैं हम कहीं बन सकते हैं, जैसे मैं इस का कंट्रोलर पर हमारी भगवान को कहा जाता है विभु हम है विभु अनुष्मान तो भगवान के हम आगे चलते हैं भगवान के पास ऐसा है कि
हमारे सोच से और हमारे बस के हम चीजों को उपयोग में ले पाते हैं, हम स्पेट में पाते हैं, हम विचार कर पाते हैं, हम विचार आदान प्रदान हम भी कंट्रोल कर लेते हैं, हम अपने आप को माइक करते हैं, भगवान ने ऐसे फैसिलिटेट किया है ताकि हम इसको कर पाए और ये सब कुछ फॉर द सर्विसेज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड जिसको हम अपना मान रहे हैं। यहां तक कि आपने जो सेटिंग है वो भी आपका अपना नहीं है, फिर भी पॉसिबल सुधार हुआ है, यहाँ पर कभी फिगर हुआ है किसी को किसको हुआ आपकी इच्छा से वो फिगर चला गया था। अच्छा किसको प्रमोशन हुआ है कभी समय भगवान सारे संसार को कंट्रोल करते हैं भगवान हर चीज हवा ज्यादा चल जाए तो उसमें क्या आसमान में गाड़ी पहुंचे पानी आ गए थोड़ी बच्चों से ज्यादा हलचल होता है छोटे बड़े शहर को बात है कौन कंट्रोल कर। कभी आपने देखा है समुद्र से पानी मांगे पापी पाप ज्यादा करते हैं पानी का पाप बढ़ जाते कोई कभी देखा कभी समुद्र से पानी बाहर आया लहरें आती हैं जाती हैं आप बीच में बच्चों के साथ आनंद ले रहे हो तो लहर वही से कभी देखा नहीं कितना पानी है संसार 70% पानी कभी 25% काफी नजदीक आ गया सूरज मेरी खिड़की पे आ गया है अच्छा कभी नहीं हुआ हर जगह ऊर्जा बराबर देता है कि अंदर की जाते हैं तो मतलब भगवान हर चीज को मतलब कहते हैं कि संसार में ब्रह्मांड को कहते हैं ना कि ऐसे कोई आवश्यक लगा दे ऐसे हमारा एक अलग व्यक्ति की बात है अपने अपने स्थान पर घूम रहे हैं ऐसे पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है साइंटिस्ट इसलिए एक सो इमेजिनरी बता सकते हैं मतलब कोई नहीं जानते
रहस्य का भेद क्या है। अगर हम रहस्य का भेद जान करके क्या बताएंगे जाएंगे तो भगवान ऐसे कभी मिसाल है तो भगवान कीर्ति है कभी अपने ऊपर कई बड़े बड़े स्त्री इस बात को पॉसिबल कभी माता ने एक बार वो लगा देते आपकी ऊपर होगी कितने लोगों की होगी वही खुशी मेरी प्रचार से मेरे ऊपर का पता ही नहीं चलता पर ऐसा हुआ कितनी भी हम बालों को बच्चा नहीं बचा सकते हमारे बाल झड़ रहे एक समय आता है व्यक्ति हेयर स्टाइल बनाता है तो बढ़िया बाल रखता है एक समय आता है कि वो बाल थोड़े थोड़े सफेद बनाते बढ़िया डाई लगा देते किसी को पता नहीं चलते थोड़े दागे और फिर पता चलता है डाई लगाने के लिए बाल नहीं बचते फिर जो आस पास के बाल बच्चों पर व्यक्ति है सारे निकाले तो फिर क्या करता है मेरे जैसे वो जाता है तो ऐसा होता कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने जितने बाल अपने एज को नहीं रोक तो इट मीन्स कंट्रोल इज कंट्रोल नोबडी कैन टेक प्लेस नेक्स्ट वन तो बीइंग प्रोपराइटर कंट्रोल कर सकता हूँ कंट्रोल नहीं कर सकता कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति संसार में किसी भी कंट्रोल नहीं कर सकता कैसे थैंक यू बिकम कंट्रोलर आई कैन कंट्रोल माय वाइफ द वाइफ इज माय वॉशिंग वाइफ के अधीन हस्बैंड इज माय एडिट तो मुझे तो ऐसा नहीं था इट्स नॉट पॉसिबल ऐसे यू नो सच अंदर क्लियर ऐसा होता है कंट्रोल अभी कंट्रोल संग्राम कंट्रोल करते हैं मैं कहती हूँ बेटी लाश को पहाड़ ले क्या नसीहत हम सोचते हैं ऐसा ऐसा है नहीं कि हम किसी को बच्चे वी जस्ट ऑपरेट वी जस्ट फील इतना छोड़ देते बच्चे फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हम सोचते हैं बच्चे कैन डील भगवान का सिर्फ आपकी डिग्री से आपका कंट्रोल सुप्रीम जो आया इसमें तो हमें महाराज हासिल है जो है हम सोचते हैं घर से भी प्राइवेट तो हमें काम के और इसकी देर कॉमेंट आपका स्टेशन आता था उस सीट से आपको काम नहीं लगता अरे नहीं आपका भगवान की देख तो whenever we enjoy हम किसी भी चीज को permanently enjoy नहीं कर सकते because we are अणु and is whatever we are doing अनुपम जैसे बुद्धि में रखना चाहिए
कितने जीवन में करते हैं, कितनी प्लावेंट करते हैं, किसकी प्लावेंट लेंगे, तो हाँ हर जगह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसा तो सॉरी सात जगह घुस गया नहीं है, ऐसे क्यों है हर जगह ऑटोमेटिकली सब कुछ पहुंच जाता है, क्यों ये जो पेट में खाना डालने हैं हर जगह उसी तरीके से व्हाट एवर वी आर डूइंग फॉर द एंजॉयमेंट फॉर द सुप्रीम लॉर्ड इट विल डिस्ट्रीब्यूट एवरीवेयर सुप्रीम एंजॉय होटल रूम बुक किया उसके खरीदी को रोज बट आपको परमानेंटली वो कभी भुला नहीं है। उसका एक्चुअली जो एंजॉयर है वो कौन है, हमने भाड़े का कमरा लिया तो भाड़े का कमरा आत्मा को मिला रहने के लिए इस कमरे को रखने के लिए एक अच्छा सा कमरा दिया गया, समझ में आ गया होटल का कमरा, पर दोनों ही कमरे जो है तो इस शरीर के कमरे का मालिक था वो कौन है और उस कमरे का मालिक कौन था, पुणे के कमरे का मालिक, पुणे का मालिक कौन है, अल्टीमेटली गॉड कौन है, ओनर फॉर एवरीथिंग, अल्टीमेटली ओनर कौन है, ओनर शिवपुरी भगवान उपयोग मिलेगाशिप और सुप्रीम लॉर्ड भगवान की प्रतिष्ठित है अन्यथा किसी और की। तो यहाँ प्रश्न उनका आता है हम सर्वस्य भवतु मता मता भजन्ते मां बुधा पावन मतलब I am the origin of all creation, everything proceeds from me, the wise who know this book will worship him, will be ऐसे भी हवा में बातें चल रही है कि हम समझा रहे हैं सब सब लिखा हुआ है इसपे नॉलेज हमें पता है कि कोई है संसार को चला रहा है, इस संसार को मिला रहा है,
हमको सब कुछ दे रहा है, क्या जाने क्या सोच, ऐसे कैसे पता चलेगा हमें इस बात का? पहले क्या बोला था, इंक्वायरी किससे करोगे, इंक्वायरी सोर्स से करोगे, और मुझे लाइफ से इंक्वायरी नहीं है, किसी चीज का चंद्रमुखी नेक्स्ट प्लीज, और ये है ज्वालामुखी, कंफ्यूज हो गए, पहला क्या लिखा है प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान मतलब सोच के, मतलब हम जाएंगे प्रमाण और आंखों से देख, थोड़ी देर खड़े होके भाई तो चला है प्रत्यक्ष प्रमाण, किसी को जान के बारे में इंक्वायरी हासिल करना, ठीक है, जानते कैसे, मान लीजिए ट्रेन पटरी सीधी जा रही है, वो आगे से कैसे दिखती है, जुड़ी हुई दिखती है, पर आप कैसे चलते जाते हो वो पटरी झुकी हुई दिखती क्या होगी, अगर तुम्हें कैसे दिखाई होती है जुड़ी हुई, एक दूसरे हमें दिख रहा है कि वो आपस में जुड़ रही है मगर वो अलग अलग अभी ट्रेन उसके सरल गति। दूसरा किसी को याद है कोई एग्जाम्पल ऐसा, तो हमें दिखता है मगर वो सच नहीं है, कुछ ऐसा तो दिखता है मगर ऐसा होता नहीं, पानी दिख रहा है वो है नहीं, इसका मतलब देखने के बाद भी चीजें काफी दुष्ट नहीं हो सकती, करेक्ट, जो देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सच, इसमें भी गलती हो सकती, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब जिसको हमने देखा देख के वो समझा मगर वो नहीं दिखे। दूसरा अनुमान प्रमाण, जैसे इस पर्दे के पीछे से आवाज आएगी, किसकी आवाज आ रही, हाँ बिल्ली है, आवाज किसकी आई, बिल्ली की, लेकिन मैं बोल रहा था सो बिल्ली की आवाज आई, मगर बिल्ली की कई बार हमारी सोच जो हम सुनते हैं अनुमान कर लेते हैं उससे भी हम गलत साबित हो सकते हैं, तो हमें जरूर नहीं है कि आवाज है तो उसके पीछे सच भी है। तीसरा क्या है शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण मतलब वो प्रमाण
जो लिखा हुआ है किसी अथॉरिटी के द्वारा, इट मींस दैट इज अ स्क्रिप्चर्स व्हिच इज एब्सोल्यूट ट्रुथ अबाउट। तो क्या है, अभी तक हम जी रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में, हमने देखा वो व्यक्ति ये काम कर रहा है, उसको कर रहे हैं, दूसरी नॉट स्पिरिचुअल दैट इज अ ट्रुथ। मैंने पिछली बार स्टोरी सुनाई थी प्रागी वाली, दिल्ली वाली, ये सुनाई थी एक लड़का शादी हुई, तो शादी हुई तो पंडित जी ने बोला सामग्री बताओ क्या क्या सही है, उन्होंने सब कुछ बताया। शादी संपन्न होने लगी, शादी संपन्न होने लगी समय जो है एक काली बिल्ली आई, उसने घोड़ा कलश सात कुंड के पास कलश पढ़ना दिया, कलश गया पानी का कुंड में, कुंड घुस गया। लड़की के पिता ने बोला ये तो अक्षत हो गया, ने कहा उनसे पूछा कि क्या उपाय है, कुछ रेमेडी है, लड़की के भाई बोलो तो काली बिल्ली को पकड़ लो और एक सोने का पिंजरा बनाओ, काली बिल्ली को सोने के पिंजरे में डालो, ताकि संपन्न होगी बिल्ली की छोड़ दी जाएगी, उसका दान दे दिया जाए। अब वो पति पत्नी के नाम पर विवाह हो गए, साल बीत गए, अच्छे से काफी छुट्टी लगी, अब बच्चे उनके उम्र बढ़े, बेटा हुआ, बेटी का बेटी का शादी का काम आया, तो ऐसा क्यों, बोले आपके संप्रदाय में आपके खानदान में ऐसा ही होता है, काली बिल्ली और सोने का पिंजरा को आवश्यक है, बिना तो शादी संपन्न हो ही नहीं सकती। ये डिफरेंस है स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल। विदाउट अंडरस्टैंडिंग इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इट मींस यू आर फॉलोइंग द ट्रुथ। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड यू आर डूइंग द राइट पाथ विद योर कॉन्शियसनेस इट मींस यू आर स्पिरिचुअल। इफ यू आर सर्विंग योर लॉर्ड विद इंसेंस and you know meaning of incense, it means you are serving your Supreme Lord. But if you are the Lord, you will be the Lord, you will be the Lord, you will be the Lord. That is not a spiritual, that is a spiritual. Main yari kata of Pranam Pandit Guru, but we know the basics. But, Bhagavan is a nature, he, Tani Guru, he kya bataya tha, who is he? He kai naam bataya tha, how? I am in Jamardhan. He accept your punch. Don't want anything from you. You said, aapki consciousness chahiye. Par kuch nahi chahiye aapse. Maine bola, khali plate ke liye aapke paas dhan nahi hai sab kuch. Kuch nahi hai. Aur aap chahte hain bhagwan bula kar khali bhakti karunga. To aap khali plate mein bhi man se bolte hain bhagwan kuch bhi nahi mere paas le chhata hua hai aap bula kar khali. Bhagwan bula kar aapki chetna mein ऐसा नहीं है कि आप भी देखते हैं हजारों रुपए और आप लोग खिला रहे हैं, बसे खा रही है, मैं मन से खिला रहा हूँ, आगे तो देखो भगवान भी ऐसे ही करेंगे। सोच लो कि तुम अमीर आदमी हो, जीत के तो देखो ऐसा सोचो कि ठेले को मर्सिडीज नहीं चलो। प्रमाण अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण मीन्स जो हमें अथॉरिटी बताती है उसी का शब्द प्रमाण, क्योंकि 100% कंफर्म होता है शब्द प्रमाण। इसके मैंने तीन और नाम दिए थे, इन नामों से आप पढ़ जाएंगे, इसको याद रखेंगे। चंद्रमुखी सूरजमुखी ज्वालामुखी जब शास्त्री होती है तो बहुत सब से लोग जा सकते हैं, बहुत सूरजमुखी है। अगर बाद में पता चलता है कि वो चंद्रमुखी थी, सूरजमुखी थी, फिर पता चलता है तो ज्वालामुखी थी, ये सच है ज्वालामुखी थी। आप सुनते हैं कि पहले तो ये, फिर ये, फिर ये कंफर्म है, इसमें मुझे कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि हाथ रखने को आरसी क्या और बड़े लिखे को, तो यहां पर क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं आ रहा,
जो प्रत्यक्ष पद यही सही है तो अनुमान प्रमाण जो कुछ चर्चा हुई ये अनुमान लगाएंगे तो सही निकल हमारे अंदर बहुत बुद्धि है, अगर अनुमान भी हमारी बुद्धि से खेल हो गया। फिर लास्ट में आया शब्द प्रमाण कि हमने अनुभव किया ये सब कुछ जो है वहां चला रहे हैं बट एग्जैक्टली स्क्रिप्चर हमें कहते हैं विच इज कम एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लॉर्ड। इंक्वायरी करने हम भगवान के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं स्क्रिप्चर बताते हैं कि वो कौन है, ये स्क्रिप्चर हमें कंफर्मेशन देते हैं मतलब 100% हम इसमें बिलीव करते हैं कि ये सूरज गुरु याद रखिए। हाँ क्या भाई याद रहेगा जो हमने सोचा था ऐसा निकला नहीं, ये सोचा था वो भी वैसा निकला नहीं, तो सोचा बिल्कुल सही है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण है। नेक्स्ट स्लाइड यहां पर लोग कह रहे अहम एवास्म एवाग्रे दान नान्य दत्तम पश्यद अहम यदा जो अविस्मृत सो हम तो ब्रह्मा आप भगवान कह रहे ब्रह्मा मैं ही आपने सब पढ़ेंगे प्लीज ब्रह्मा मैं ही भगवान हूँ और ब्रह्मा क्यों भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा मैं ही पहले विद्वान था जब मेरे अलावा कुछ नहीं था ना ही प्रवर्तित ना जो इस है तो तुम अभी देख रहे हो मैं भी भगवान हूँ और प्रलय आज मैं भी तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब शास्त्र के द्वारा भगवान स्वयं किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं ब्रह्मा ने कहा किसको कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। इससे कंफर्मेशन होती है विच इज भागवतम 2.9.33 और हिमसेल्फ सेज प्रत्यक्ष मतलब ये शास्त्र प्रमाण शब्द प्रमाण बताते हैं मूल की कि मैं ही ब्रह्मा जी को बता रहे हैं मैं ही सब कुछ कब बता रहे हैं तो ब्रह्मा जी की उपस्थिति में ब्रह्मा जी को पता नहीं कर लेते हैं ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी। नेक्स्ट प्लीज यहाँ पर क्या है ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा जी में आए एज वेल जीवों में सर्वश्रेष्ठ जो है ब्रह्मा जी है उनके पास सारे जीव आते हैं जब ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी को पता नहीं था मैं कहाँ हूँ तो वो क्या है तो जहां पर कमल फूल है उसमें उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी नीचे आ रहे हैं उनको अंत नहीं हुई फिर ब्रह्मा जी वापस जाते हैं उस पे बैठते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं अथा तो प्रयास कि मैं कौन हूँ मैं कहा हूँ कहा से आया हूँ तो भगवान चतुश्लोकी भागवत इससे चार श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत में संसार की पूरी सृष्टि की रचना कैसे होती है मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ भगवान से हमारा क्या संबंध संसार की सृष्टि के बारे में थोड़ी चीजें जो है कहते हैं शॉर्ट करके डाउनलोड कर दे तो ब्रह्मा जी को उन्होंने डाउनलोड कर दिया चतुश्लोक की भागवत में सारी चीजें बता दी। अभी हमने पढ़ा था इसका पहला श्लोक यहाँ हम पढ़ेंगे इसका दूसरा श्लोक ठीक है कौन पढ़ेगा रीच मूल्यवान उससे संबंध ही है तो वह सत्य ही है मेरी माया समझो यह अहंकार
मतलब भगवान एग्जिस्ट करते हैं पर नहीं भी करते, पीछे से लेते हैं परिस्थितियों में सभी देश और काल और सभी देश और काल में आपको रिसर्च करना कैसे जानना है अथार्थ को प्रबल जिज्ञासा, आपकी इंक्वायरी हमेशा रहनी चाहिए हर कार और परिस्थिति में, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, आपको इंक्वायरी भगवान के लिए करते रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन चार श्लोक हो गए, यहाँ पर ये चार श्लोकों से भगवान ने ब्रह्मा जी को नॉलेज दी सृष्टि के बारे में बताया। यहाँ तक की हम अपने बारे में बात करते हैं, यहाँ पर देवी देवता है, ब्रह्मा जी जैसे महान देवता है वो भी भगवान की इंक्वायरी करते हैं, भगवान को ज्ञान प्रदान करते हैं। इट मीन्स हमें जैसे ब्रह्मा जी एक अथॉरिटी के पास जाके अथॉरिटी को बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रही है, उसी तरीके से उसी परंपरा को हमें लेना चाहिए कि हमें भी अथॉरिटी उसको बनाना चाहिए उस परंपरा के द्वारा। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जस्टिस कम फ्रॉम द परफेक्ट सोर्स दैट इज कॉल्ड इनसेमिनल। तो यहाँ पर वो पहले भी था, इसके बारे में हमें जानकारी है, फिर शास्त्रों में मिलता है भूगोल के बारे में, हमें नक्षत्रों के बारे में मिलता है जानकारी, भागवतों में दी गई लिविंग के बारे में उसके बारे में हमें काफी जानकारी शास्त्रों को मिल जाती है। ह्यूमन एम्ब्रियो अगर आप देखते हैं तो घर में बच्चा कैसे पढ़ता है, दोनों मिलके करते हैं, कब उसके आत्मा के प्रवेश करते हैं, कैसे हाथ बढ़ते हैं, लाखों बढ़ते हैं, सारे बर्तन से इनको कहा बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज के दिन ऐसा नया कर रहे हैं तो पहले नहीं था, ये सारी चीजें पहले भी थी, आज बल्कि एडवांसमेंट कम हो गई है। पहले मंद गति से ज्ञान उड़ा देते थे, आज ईंधन डालना पड़े करें, पहले मन की गति से ज्ञान चला गिरते थे, आज उसमें विमान में ईंधन डालना पड़ता है। इतनी टेक्नोलॉजी पहले ना थी, आज आज तोप में गोला डाल के एक बार विस्फोट किया जाता है। पहले अर्जुन तीर चलाते थे तो एक से कई तीर निकलाते थे, आते थे होता था, पहले अर्जुन ऐसे तीर छोड़ते थे तो आसमान से बारिश हो जाती थी, अब चाह के भी आप बारिश नहीं करा पाते हो, पिक्चर में नकली टंकी से बारिश करानी पड़ती। तो हमने प्रगति की है या नहीं की, हम सोचते हैं कि हमने प्रगति की है, मगर जो वो समय था इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा थी और आज हम उस स्तर को छू नहीं पाते, इसलिए हम क्या करते हैं उसी पे मंथन करते हैं। अगर आप पुराने समय में जाएं तो वो बहुत ज्यादा एडवांस थे, कोई अपने तीर से समुद्र को रोक सकता है, कोई साइंटिस्ट रोक पाएगा, कोई अपनी आयु को कंट्रोल कर पाएगा, विश्व पिता कितने सारे, तो मतलब पहले एडवांस थे या आप एडवांस पहले बहुत समझ में। यहाँ पर हमारे ये भ्रम है कि हम प्रगतिशील है, तो प्रगतिशील है अगर हम उस तरीके के स्तर पे नहीं जा सकते जो पहले की सेवा लेने के लिए कार्य दोनों में ये भी कोई की इच्छा प्रकट नहीं करता, आई वॉन्ट टू सर्व माई सुप्रीम लॉर्ड, एवरीबडी वॉन्ट्स एंजॉयमेंट,
55 इंच का टीवी ले लूं और उसमें बैठ के नेटफ्लिक्स देख। मगर पहले लोग 12 इंच के महाभारत देख रहे, तो इसका मतलब ऊंचा जीवन तुच्छ विचार। पहले क्या कहा जाता था, सादा जीवन, और अब कलयुग में आज के लिए चीज तो सही है, ऊंचा जीवन तुच्छ विचार। फैसिलिटीज बहुत है मगर कार्य बुद्धि हम इंटरेस्ट कभी उसमें नहीं दिखाएंगे कि जीवन के लक्ष्य में किस तरह पहुंचा जाए। मगर अगर टीवी पे देख के सिखा दिया जाए तो उसके लिए हमारी जिज्ञासा बहुत बढ़ जाएगी, जानने तो सही। कहा जाता है जो चीज डाउनलोड करोगे वही चीज सारा दिन आपके दिमाग में। पहले लोग उठ के भगवान का स्मरण करते थे, आज लोग उठते हैं और कॉट पर बैठ के अखबार में क्या डाउनलोड किया, क्या डाउनलोड किया। जैसा खाओगे वैसे ही दकार आएंगे। आम खाया किसी ने? गर्मियों में तो बहुत खाएंगे, किसने खाए भाई आम? आम खाने के बाद दकार आती है, आम जैसी आती है। तो जो हम खाते हैं उसी की दकार। इनपुट जैसा होगा आउटपुट है। आपका इनपुट क्या है? आप मतलब हम आपसे पूछ नहीं रहे, आप खुद अपना मूल्यांकन इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आपका डाउनलोड है, आपका इनकमिंग क्या है, आप सब लोग आउटगोइंग क्या होगा, जो इनकमिंग होगा वही घड़े में दो चीज भरी जाएगी, भरने के बाद वही चलती जैसे उसके अंदर। तो डाउनलोडिंग आर कॉन्शियसनेस, डेकोरेटिंग आर कॉन्शियसनेस, इट प्रेजेंट्स योर कैरेक्टर। कहते हैं छोटा सा एग्जाम्पल है, फर्स्ट इज पहला हिस्सा क्या है, इज अ थॉट प्रोसेस, लिख सकता हूं डायरी भी आपको, थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट इन वन एक्शन प्लान, थर्ड वन रिपीटेड, फोर्थ वन बिकम्स हैबिट, फिफ्थ वन बिकम्स कैरेक्टर, सिक्स्थ वन बिकम अ डेस्टिनी। नोबडी स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, थॉट प्रोसेस कैसे शुरू प्रोसेस में, आप ये काम कर सकते हो, यस हाँ मैं कर सकता हूं, आप ये काम कर सकते हो, सर की देखूंगा हो जाएगा तो हो जाएगा, और दूसरे ने कहा गया हाँ मैं कर सकता हूं, और क्या किया एक्शन प्लान इनिशिएट किया, यस इट सक्सेस। जीवन में कभी कोई फेलियर नहीं होता है, और लिख सकते हैं फेलियर भी सक्सेस हो, यू नो अबाउट बाय योर फेलियर इज योर सक्सेस। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आविष्कार करने वाला व्यक्ति हजारों बार गलती करने के बाद किए आविष्कार, और सब उसको मुबारकबाद देते हैं कि तुमने आविष्कार किया। तो वो क्या कहता है, इस आविष्कार में भी उपलब्धि नहीं, 100 जब 100 टाइम मैंने आविष्कार किया उसमें से 101 बार मैं सफल हो पाया, तो वो जो पिछले 100 थे वे मेरी उपलब्धियां थी, एक के बाद में दूसरी सीढ़ी चढ़ता है। और आज मैंने आविष्कार, हर साइंटिस्ट अपनी उपलब्धि उसको मानता है, हर एक सक्सेस पर्सन के पीछे उसके फेलियर्स होते हैं, उनको हमेशा प्रोत्साहन देता है कि अगर वो ना हुआ था मैं आज ना है। तो हमें क्या दिखता है, वो पार्ट दिखता है जो दिख रहा हो, पेड़ का ऊपर का हिस्सा दिखता है, मगर कभी आप जड़ नहीं देख पाते, मगर पेड़ की प्रतिभा उसकी जड़ों में है, जितनी पुरानी जड़े हैं उतना खिला हुआ पेड़, मगर फिर हमें दिखता है जड़े हमें। जहाज कितना बड़ा है ऊपर से कितना एक चौथाई हिस्सा दिखता है, उसके पीछे उतना ही बड़ा है जितना ऊपर, इसका मतलब उसका आकार बहुत बड़ा है आपको दिख। एक बात समझ किसको समझ में आ रही है, जो ऊपर से जा रही है
नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे काजन, कलयुग के प्रबल प्रभाव के कारण धर्म, दक्ष, सहनशीलता, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मरण शक्ति, ये सभी दिन प्रतिदिन क्या होगी, क्षीण होती जाएगी, कम होती जाएगी। हम तो साफ पहले क्या तो स्मृतिधर होते थे, एक बार सुनने के बाद सब याद हो जाता था, अब तो नोट्स लिखने के बाद भी हमें याद, पहले थे स्मृतिधर, अब हो गए निर्धर, अब समझ में नहीं आता है ना। तो क्या है, इसके बताया गया है, कलयुग में हम कोई समझना चाहते समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र हैं, कहां जाएं, किसको पकड़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, एक संसार में जैसा के देवी देवता किसका दामन नाम है, किसने बोला साईं बाबा की पूजा करोगे तो धनवान मिला, देखते कितने लोग कर रहे हैं आज से, बोले करके देखता हूँ फेल हो गया, क्या कहां साईं बाबा में लगे यार, गुरु जी के पास मेरे साथ क्यों चला कर देखो कितनी, चार बार गए यार पेट्रोल लगता था, हुआ कुछ नहीं है, समझ में आए, हुआ अब तक कुछ नहीं है, पेट्रोल लगता चुना था यार, फिर क्या करें, किसी ने कह दिया अच्छा तो मेरे साथ घंटे वाला मंदिर चला गया, बहुत कृपा बरसी, इतनी बरसी पूछो मत, ये वहां चले गए चार पांच हफ्ते हो गए, भीड़ बहुत होती, कुछ अभी तक हुआ नहीं, तो हमने क्या कर दिया है, जो टीचिंग सेंटर्स थे उसको बिजनेस सेंटर बना दिया, मांगरा थे मेरे घर थे, क्या मेरी मराने पूरी हो जाए, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए, आप देशाटर के लिए जाओगे, ना जाऊंगा जाओगे हमसे जाओगे, राजा बन के बोले, राजा बन के जाऊंगे, बोले ठीक है मैं सैनिक तैयार करता हूँ, हम चलेंगे देशाटर, अरे राजा साहब आपने प्रोटीन टूटा है, अब तो मैं रास्ते में आ गया हूँ, ऐसे कैसे ठीक होगा, बोले आप चिंता मत कीजिए, फौज की दीवार बनाएंगे, एक माहिर यू काम होगा यू, राजा बोले बढ़िया अच्छी बात है, दर्जी आया टाका लगा रहा था, मन में आया लोगों से एक स्टेप लेकर एक सब्जी मांगता हूँ, उसे दस मांगता राजा है ना, फिर मन में आया नहीं तो गांधी राजा की प्रथम है, अनाज में कोई कमी नहीं है, बच्चों के लालन पालन में कोई कमी नहीं है, सब कुछ सुविधाजनक की तरह है, आने लगा राजा के बारे में फटर फट गया, आपका हो गया, अरे वाह निकल के हो गया, मांगो क्या मांगते, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए आप, यस नहीं नहीं कुछ तो चाहिए, कुछ तो दूंगा मंत्री, एक बार 10 गांव दे दो, क्या कर दिया 10 गांव का राजा बना दिया, इससे पहले वो क्या करता था, अपने पांव पे खुद, हम जब मंदिर पे आते हैं माता को ज्यादा देते हैं, आपका होटल बहुत अच्छा है, आपको गाइड 1 करोड़ रुपए दे सकती है, आपको बताइए बैंक काम चल जाए, बोले ठीक है आपको कितने मिल सकते थे, यहाँ पर आप आते हो लिमिट्स डिसाइड करते हैं, मां रहते कोई नहीं करते मकान बेटे की चाल मकान बस फिर भी संतुष्ट है, तो हमने क्या बना लिया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना के, क्या था, क्या था ये टीचिंग सेंटर था, जहां पर आगे जिज्ञासा करनी थी, साधु संग करना था, भजन किया करनी थी, भगवान के दर्शन करते, हमने क्या किया, हम आए हमने तो क्या किया, अपने बरादर के लिए खोल के सामने रख दी, बस भगवान का खोल जैसा तुम चाहो ऐसा हो जाए, जैसा हम चाहें वैसा तुम चाहते रहेंगे, तो जो तुम चाहते हो तो वही हो जाएंगे, लोग आएंगे तो कभी भी सैरों की बुलाने में भगवान के बारे में जिज्ञासा करो, नाम मानते हुए
कर सकते हैं भागवतम चरण महाप्रभु का एग्जाम्पल दिया गया है 11:5 खुद भगवान भागवतम 1.33 को चाणक्य 12.1 अशोक प्रारंभ दिया गया है 12.1.12 कुछ आप लोगों को भी थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए नेक्स्ट आप देख रहे हैं डिलीट करेंगे कौन खड़ा होगा कौन खड़ा होगा एक पार्ट में चले प्रेडिक्शन ऑफ कलयुग इट इज द फर्स्ट इज द रिलीजियसिटी ये क्या है हम धीरे धीरे पतन हो रहा है नीचे की तरफ जा रहे हैं देख रहे थे पहला क्या है हमारा जो हमें पता ही नहीं हमारा धर्म क्या है बेटा अगर चार दिन के घूमने लगातार जाने लगे तो उसकी माँ को चिंता हो जाती है कि मेरा बेटा जो है संसार से भटक रहा है मेरा बेटा जो है इस संसार से भटक रहा है उसको ये मंदिर वाले बर्बाद कर देंगे और वही बच्चा अगर डिस्को जाए तो माँ बड़ी खुश है मेरा बच्चा बड़ा हो गया और गलती से उसने धोती कुर्ता पहन लिया तो आकाश और जमीन दोनों एक दिन में फट जाएगी और माँ हाहाकार मचा देगी कि मेरा बच्चा को इतना टाइम हो गया धोती कुर्ता पहन लिया धीरे धीरे हमारा पतन हो रहा है बच्चे ने टीका भी लगा लिया तो माँ को चिंता हो जाती है गलती से साधु तो नहीं बन जाएगा अगर मान लो बन भी जाएगा तो पहले तो हर घर से एक बच्चा साधु बनता है बन गया तो क्या अगर हमारी बुद्धि धीरे धीरे छोटी सोच ली हम स्पिरिचुअलिटी को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं यहाँ पर एक फैशन बन गया है दैट वी आर नॉट बिलीवर्स वी आर नॉट गॉड बिलीवर्स इट मींस यू आर हाई सोसाइटी आप हाई सोसाइटी में रहते हैं यू आर नॉट गॉड बिलीवर्स मंदिर छोड़ रहा हूँ बाहर छोड़ के निकल जाऊंगा जब आना तो फोन करते हैं आज से पिक करूंगा मैं थोड़ा दोस्तों के साथ हैंग आउट कर ले भगवान जी को हैंग कर दूंगा तो ये आजकल मंदिर ना जाना भगवान को ना मानना एक फैशन और ऐसा नहीं है बुढ़े करते बच्चे करते बुढ़े भी करते आप गॉल खेलते गॉल को उठा के देखते हैं एक से भगवान बुढ़े बने भगवान बुढ़े हंसते हैं आप लोग नहीं है साहब उनको चाहिए फरारी मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी जगुआर बीएमडब्ल्यू वो भी बैंकिंग में ऐसी गाड़ी में इस उम्र में उनके हाथ तो घंटी हमको चाहिए उस उम्र में उनके हाथ में शराब कर लॉन्ग राइट सही इसके मतलब उनका पालन पोषण सही स्थान पर बैठे धीरे धीरे उनका बदल हो चुका जो जीवन मिला था मानव जीवन सफल करने के लिए उसको विफल कर दिया तो उनकी टेंटेशन तो आज भी दो तीन शादी बोलो आपके लड़की देखो राजी
आज यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी हम जवान हैं, एक शादी और करने में क्या पता है। फिर होता है क्या मान सुन बड़े बड़े फैमिलीज होती हैं, देर लेती है, दो दो तो तीन तीन वाइफ होती हैं, वाइफ नहीं होती तो वाइफ का बेहतर और इतना एडवांस हम कर गए हैं, इतना एडवांस हम कर गए हैं, इतना एडवांस हम कर गए हैं कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट साइट। पहले होता था क्या? नहीं मेरी कुछ शादी हुई और ठीक बस गई। आप सुन रहे आपको पति अर्थी निकाले तुम्हारी ऐसी हाल अच्छा तुमने का अर्थी जाएगी ठीक है अर्थी निकल पाल से नहीं गलत कह रहा। तो मतलब हम धीरे 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 हम सोच रहे हैं एडवांस हो रहे हैं बट एडवांस नहीं हमारी बुद्धि छोटी हो छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति हम बड़ा नहीं सोचते हम सिर्फ अपने दायरे में सोच सकते हैं अपने एंजॉयमेंट में सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। नेक्स्ट वन दूसरा क्या है क्या है सेकंड वन मुझसे बोलिए ट्रुथफुलनेस। तो यहाँ ट्रुथफुल मतलब भरोसा इसका मतलब क्या होता है सत्यता लुप्त हो गई सत्यता बिल्कुल समाप्त हो गई है इतनी समाप्त हो गई है कि कोर्ट में भी सत्य को सत्य नहीं माना जाता। एक प्रश्न है पहाड़ को धागे से बांधा और हेला हेला के चक्का चूर करके मतलब सुनते हैं मतलब छूट के धागे से पहाड़ को बांधा और हिला हिला के चकना चूर कर दी जीता कौन जो झूठ था वो जीत गया और जो पहाड़ था झूठ था कच्चा और पहाड़ था सच उसी झूठ के धागे से सच्चे पहाड़ों को पार मार के निकल धागे से पहाड़ों को बांध के तोड़ा जा सकता है। कोर्ट में भी आप फेल हो जाओगे ग्राम पंचायत में भी आप फेल हो जाओगे ग्राम सच भी हो तो भी माफ हो जाओगे ये निष्कर्ष है कभी। फिर तीसरा क्या है स्वच्छता अंदर से बाहर से नहीं बाहर से तो कोई भी साफ हो सकता है अंदर से हर क्वालिटी में जिला अंदर से कुछ बाहर से फुल माल है भाई सब सब गोल मान बच्चा बूढ़ा जवान सब बिगड़ जैसे बाहर कुछ मन नहीं कुछ हर सब अच्छा दिखाने का प्रयास नहीं मैं उसकी वजह से कौन ठीक है ये बात क्या सही है नहीं है नहीं मान सके अंत को लग रहा है कि ईशा हो गई है बाहर से खाली करते हर एक व्यक्ति ग्वालिटी में गया दिखाता कुछ से होता है। तो यहां पर जो है हमारा जो फीलिंग है अंदर की स्वच्छता धीरे धीरे खत्म हो गई ये एडवांसमेंट फोर्थ वन लुक से बोलिए टॉलरेंस टॉलरेंस का तो बोलबाला है इस समय है हमने इसमें महारत हासिल पहले बता रहे गांधी जी कहते थे एक पढ़े दूसरा आगे चलो है अब बोलते हैं एक पढ़े तो और महारत क्यों अभी टॉलरेंस बिल्कुल समाप्त हो गई है ना तो हम क्या 75% डिवोर्सेस केसेस कहा मिलता है हर जगह डिवोर्सेस हो रहे हैं इंडिया को छोड़ के इंडिया में भी अब बहुत ज्यादा रेशियल बढ़ गया ट्राई करते हैं एक साल तक खेलूंगा छह महीने में दूसरी शादी और फिर दूसरी से भी संतुष्ट नहीं होगा जाएगा तीसरी ट्राई कर ये संसार बिल्कुल बदल गया गुड़गांव में भी बहुत बड़ी हाल है गुड़गांव अंतर जाए ये
मतलब पंद्रह साल की तो चीज ये है, यह चीज तो बहुत जरूरी है। और भक्ति का एक सबसे बड़ा अंग है कि जो सहनशील है भगवान उसको बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसमें टॉलरेंस बहुत जरूरी है। ये संसार आपसे बहुत सारे एग्जाम है, कक्षा में बैठे एग्जाम देना तो लाजमी है, तभी आगे मैंने कभी एग्जामिनेशन दिया हूँ, सबने दिया हूँ, अभी दूसरी क्लास में कैसे गया, एग्जाम पास करके गए, चलो 32 नंबर आए थोड़े और भी कर जाएंगे सब हो गए, तो हो गई इतना पास करना पड़ता है, उसको पास किए बगैर आगे नहीं बढ़ता, उसी तरीके से दसना है प्रिपरेशन एंड डेथ, वो लाइफ इज अ प्रिपरेशन, हम इसी को सब कुछ मान बैठे हो, हर पल हर पल अगर आप जर्मन बनाने सीखने वाले व्यक्ति हो, हर पल के प्रगति, अगर आप सोच दिया हमें जो सब आता है हमसे बड़ा विदा ले, मैं आपसे नहीं बोल सकता, हमसे ही बोल सकता, हमसे बड़ा गलत भी नहीं, ठीक है, सोचे नहीं हमें तो सब कुछ आता है, अगर हर व्यक्ति अगर वो सीख रहा है किसी भी उम्र तो वो प्रगति कर रहा है, अगर नहीं सीख रहा है तो वो अपने पतन की ओर और बढ़ता है। दिस लाइफ एग्जाम आपको मुंह मिलेगा जो आप सूरज से परे हैं, व्यक्ति पे ऐसी क्षण होता है, ऐसा क्षण होता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मगर अपने मृत्यु के समय हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, मगर मृत्यु के समय ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, ट्रॉफी कब मिलती है, जब आप संघर्ष करते हैं तो आपको सम्मानित किया जाता है, वो सम्मान है वो मृत्यु जिसमें भगवान की आज्ञा भगवान का, so this life is a preparation to become a devotee, this life is a preparation to become a devotee of death is a award when you reach bhakti, what is sundar jeevan hai jisko humne held raha, drinking smoking illicitly sex ये काम आप करोगे भक्तों के साथ रहोगे, कीर्तन हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, कोई किसी कर्म हो रहा है, कोई किसी कर्म हो रहा है, किसी घर जा रहा है, कीर्तन सेलिब्रेशन मेरे घर में महीने में कितना कीर्तन, कितनी बार तीन बार पूछे बैठे, आपके साथ सेलिब्रेट करना है, कहां करें आप क्या हो रहा है वहां पर, अगर मैं आपके हो आपके घर पार्टी करने आ रहे हैं आपको नहीं सब काम होता है हमारे घर आते हैं हमारे तो मैं किसी घर बोलो आज आपके हाँ कुछ चलता रहता है हमने क्या करनी पार्टी करना अच्छा खाना खाना यही जगह इंजॉयमेंट वो है आपकी सोल रिलेश कर रही है जिसको वो इंजॉयमेंट पढ़े हुए रिलेशमेंट नहीं सोल कर रही है हमारे अंदर टॉलरेंस करना पड़ेगी ना मर्सी तो मर्सी तो बिल्कुल खत्म हो गई है क्या कर रहे हैं हम ईट खाते हैं कसाई घर हमारी वजह से दया तो खत्म हो गई जो जीवों को मार सकता है उसके अंदर दया यही भगवान जीव घर में दो तिर मम्मी देखिए क्यों ग्रहण में रहेगी इसको अच्छे से धो राक्षसों का परिवार हिंदी में बोले देखो मम्मी मास्क पे खून लगा है उसके साफ नहीं करती हो आप कुछ गलत बताओ है देखो मम्मी इसमें खून लगा कोई बात नहीं बेटा खून भी
कौन बताया जी हमें विद्यार्थ मैच है बताए सर। एक मैंने एक क्वेश्चन देखा था, तो एक तरफ एक बकरे का लटका हुआ था, इतना देखिए बिछा हुआ देखिए एक बकरे का लटका हुआ था, दूसरी तरफ एक आदमी का लटका एक क्वेश्चन बना हुआ। What are the difference between both? Both are same. Same flesh, same protein, same ingredients. Everything is same. What are the difference between them? Don't make it easier. Where is the protein there? It's a mental illness. A mental illness. This is the same thing. It's the same thing. It's the same thing. Why is it? Why is it that man's khana hai ya nahi khana? That's it. Yeah, मुझे बिल्कुल नहीं बोलो कि वेजिटेरियन होते हैं अच्छे होते हैं या नॉन वेजिटेरियन खराब होते हैं, दोनों ही अच्छे। मगर आप ये मुझे बताओ कि दया जरूरी है, ये बच्चा अच्छा काम है तो मेरे वाले हाथ नॉन वेजिटेरियन कौन है कोई भगवान इतने बड़े कंट्रोलर हैं, हर जीव को एक निपात में मतलब आज कोई जीव जन्म ले रहा है कई जीव जन्म ले रहे हैं, तो समाप्ति हो रही है, तो ये साइकिल चलता रहता है, हमारी वजह से साइकिल नहीं चलता। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा। यू ऑफर टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड हैव कृष्ण प्रसाद नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बहुत सारे कोई जी रहा है अखबार में आदत कल युग में कितने साल दिए जीने 100 साल में 25 साल स्टूडेंट लाइफ 25 साल शादी के लाइफ 25 साल वन प्लस लाइफ 25 साल संन्यास लाइफ 100 साल में अगर कोई दी जाए तो हमारे सोचते हैं अरे बहुत बढ़िया अरे ये तो कलयुग का दिया हुआ डिफॉल्ट पैरामीटर है कि 100 साल तो ये उसको तो हमने ही कर दिया। जिनका खान पान अच्छा नहीं उनकी लाइफ कम होती है, जिनकी सेक्स लाइफ बहुत ज्यादा है उनकी लाइफ स्पैन कम होती है, ये दो बहुत बड़े मेजर। जिनका सोना और उठने का समय निर्धारित नहीं है उसका लाइफ पर तो यहां बताते हैं कि 100 साल अगर किसी को जीवन मिल गया तो बात हो सकता है ग्रेट 100 साल सेलिब्रेशन होता है। 100 साल जी गया 80 साल जी गया वो हमारे पास जो रह रही आप 80 साल जी कमाल हो गया तो कमाल क्या और बहुत बड़ी बात हो गई साल और फिर हमारी आगे धीरे धीरे बट ऐसी कई मिलती है छोटे जीवों मेरे कुत्ते की 100 साल की 10 साल की 12 साल 10 साल साल में बुरा होता है और भी मच्छर कितने आए हो जो भी है बड़ी आयु संभावना 24 साल हो गए और बहुत सारे इंसेक्ट जैसे वो मकौड़ा होता है मालिश होती है उसके बंद दिखते हैं तो ऐसा होता है कि जितने भी लोग स्पीशीज होती है उनका लाइफ टाइम बहुत छोटा सिर्फ एक ह्यूमन लाइफ है जिसको बहुत समय मिलता है जीवन काल क्योंकि उसको विवेक दिया जाता है सोच डिसाइड करने के लिए वापस जाना चाहते हो वापस उस नरक में जाना चाहते हो कराची लोग नाकिनियों में जाना चाहते हो अभी 100 साल दे रहा हूं डिसाइड कर लो इधर या उधर अच्छा आने पर मगर हम क्या करते हैं 100 साल सोचते हैं बिता दो पता चलता है जो बुढ़ापा आता है तब आके मारा मतलब समय कॉन्शियसनेस तब तक दम तोड़ देती है सोच समझ में
कुछ तो संसार खा जाता है, कुछ शराब खा जाती है, हमें शरीर चला जाता है, लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, धीरे धीरे शरीर कम होता है और फिर ऐसा समय आता है जब ये सारी चीजें करनी है और स्मार्ट है, तो मुंह में नहीं रहेंगे दांत और पेट में नहीं होंगी आंख, आप बजे क्या वजन करेंगे, माला भी पकड़ में नहीं आएगी, मैंने तो बीनी थी पूरी नहीं और ही बीते पूरी नहीं, आप क्या हाथ से पढ़ू कैसे को बड़े अक्षर वाली होगी क्या है, तो भागवत गीता तो फिर बड़े अक्षर वाली नहीं है बेटा, ये छोटी है थोड़ी, थोड़ी पहले पढ़नी थी, अब तक कुछ पढ़ लेना थी, तो सोच रहे भगवत गीता के साथ एक फाइनल कलर था, भगवत गीता लेने से फाइनल कलर रखते हैं, फिर इसकी बदल तो इस राइट हैंड थिंक अबाउट स्वस्थ आज के आई क्यों क्यों मत क्या है वन वेशन है क्वालिटी है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी कम हो गई है, मेमोरी को पूछे मत ज्यादा है, हमारी भगवान जरूर देख
बोले नहीं अर्जुन मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ पहले तुम करना। तो जैसे अर्जुन उतर के बाद में कृष्ण से जैसे कृष्ण उतरे तो वो जो रथ था वो बम की तरह फटा और उसके इतने टुकड़े हुए कि पाउडर की तरह हो गए, उसपे इतने आघात हुए थे। उसको बचाने वाला कौन था? तो यहाँ पर स्ट्रेंथ देखी जाए तो भगवान एक बल है हर चीज, वो नहीं तो सब गए। आपके अंदर भी बल है वो भगवान की, क्योंकि स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा भगवान की बच्चा किसी के पास नहीं होती। अच्छा किसी तीन चीजें भी किसी के पास एक साथ एक व्यक्ति हो जाए तो मैं मान जाऊंगा कि अंश मात्र भी हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। नॉलेजेबल ज्ञान का भंडार है। हम तो चाहे हम थोड़ी सी बुद्धि नहीं चाहते, हम तो 2% मार्क चाहते हैं, चलो अपना कुछ नहीं अल्प बुद्धि है हमारी। पिछली क्लास से 2 क्वेश्चन पूछता हूँ आपको जवाब नहीं दे सकते। हम यहाँ ज्ञान की बात करें, कितनी स्मरण बुद्धि है हमारी, स्मरण शक्ति हमारी नहीं है। भगवान ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान का पार ज्ञान है। और हम ज्ञान के ऊपर मैंने कोर्स लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ। ज्ञान अगर बढ़ जाए तो अहंकार को बढ़ावा दे, हमारा अहंकार बढ़ा दे। ज्ञान अगर बढ़ जाए तो अहंकार को बढ़ावा देता है, वही ज्ञान अगर भगवान को अर्पित हो जाए तो एक शुद्ध वैष्णव का निर्माण। तो ज्ञान अगर बढ़ता है तो ज्ञान का आधार है अर्जित करना और अर्पित करना। अर्पित कैसे करोगे? मान तो ये प्रोसीजर है, ज्ञान मिले उसको अर्पित करते जाओ भगवान को। अर्पित करना होता लोगों को ज्ञान को बांटना। तो ये भगवत ज्ञान है हमें बांटते रहना चाहिए, वही ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं कि भगवान और हमारे बीच का संबंध है। इस संसार के बारे में भगवान सब कुछ जानते हैं, इनसे बड़ा ज्ञानी नहीं है संसार में। नेक्स्ट वन फेमस नाथा जी चुरा ले तो फेमस हो जाएगा, कीर्त चौर गोपीनाथ कीर्त चुरा ले तो फेमस हो जाएगा, बस रन कर ले तो चोरी कर ले तो फेमस। ऐसे कौन से भगवान है जो ऐसे कार्य करें लीला पुरुषोत्तम की वो फेमस हो जाए, लोग इनके गाने गा के फेमस हो गए। मैं नहीं माखन खाए भैया मोरी, इनके गाने गा के लोग फेमस हो गए। सोचिए जो कार्य करें उसमें फेमस हो जाते हैं। आपने कोई कार्य किया तो चोरी की, आपका नाम अखबारों में आया, बहुत अच्छा आदमी है चोरी करके भागा, बहुत बढ़िया आदमी है चोरी की, इससे बात छोड़ कोई नहीं सकता, चोरी का गीत बना गया आपके नाम के, तो आपके नाम से चोरी के गीत गाए जा रहे हैं, वाह कितना बढ़िया लगता है, वाह वाह चोर में चोरी करे तो ये चोर है, ऐसा हुआ कभी? कभी आपने बोला हो दुनिया को ढूंढा आपने कि हाँ हाँ मैं चोर हूँ, मैं चोरी ये कह रहे हैं मैं चोर हूँ, ये अपने मुंह से कहते हैं मैंने माखन खाया, मैं चोर हूँ, मैंने माखन खाया। और एक भगवान ही कर जो कार्य करे वो सर्वोत्तम, इसी को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। जो कार्य करे वही सर्वोत्तम, इसी को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। आगे बढ़ो, ये क्या है, क्या लिखा है? तपस्वी, इनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं हो सकता। ये किसके लिए तप करते हैं मालूम? इनको किसका तप करें, इनको किसकी तपस्या करनी है? ये तो बांसुरी बजाएंगे तो सारे चाहते तो युद्ध भी रुकवा सकते थे, क्यों नहीं रुकवाया? क्योंकि ज्ञान देना चाहेंगे लीला पुरुषोत्तम, ऐसा कोई मैसेज बनाते हैं ताकि आने वाले ज्ञान। तो यहाँ आज हमारा सेशन यही समाप्त होता है, अगला सेशन हम अगला करेंगे। अगला सेशन का नाम क्या है? Who am I? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, बाकी मुझे कौन से क्वेश्चन किसी का भी करते हैं। Any question? हम सोचते हैं इंसान, हाँ
देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिक स्पिरिचुअल साइंटिफिक वे में भाई यह सोच है हमारी वजह से अर्जित होती है, हमारी वजह से अर्जित होती है क्योंकि जब हमारा जीवन काल चल रहा होता है तो उसमें चार प्रकार के पैरामीटर्स बताए गए हैं, बीज प्रत्यक्ष बीज होता है। तो बीज क्या होता है, जब हम पिछले कर्मों के अनुसार हम इस जन्म में आते हैं तो हमारे कर्मानुसार हमारी सोच बनती है, ठीक है, हमारी इच्छा प्रवृत्ति। जैसे कि बीज डाल दिया हमने, अब जब तक इसमें पानी डालोगे वो अंकुरित नहीं हो, राइट। तो हमारे जो विचार होते हैं हमारे पूरे कर्मानुसार, हमें अगर गलत कार्य में प्रवृत्त इच्छा हो रही है तो वो पुराने कर्मास के कोई फल है जो हमारी टेंडेंसी को वहां तक लेगा। अच्छा वहां पर एक प्रोसेस होता है अनुकूलम प्रति, उठाना है रोकना है। अगर हमने उठा लिया तो हमने समझो पानी डाल दिया, और पानी डालेंगे तो वृक्ष अंकुरित होगा।